फेथ करो, ठीक है ना, पापा सही। अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है हम लोग का, नाउन नंबर। नाउन नंबर, अब नाउन नंबर हम लोग का थर्ड टॉपिक। नाउन नंबर की बात करें, अब नाउन नंबर में हमने आपको पढ़ाया था कि नाउन दो तरह का होता है, एक काउंटेबल दूसरा अनकाउंटेबल, याद आ रहा है वो। तो नाउन नंबर मतलब हम लोग संख्या पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि हमने कहा था इस दुनिया में जो कुछ भी है सब नाउन है, राइट। तो पहले बताया अनकाउंटेबल है ये नाउन वो नाउन, प्रॉपर काउंटेबल कलेक्टिव सब है। लेकिन अब पढ़ रहे हैं क्या कि नाउन नंबर जो है, अब संख्या में नाउन क्या है। तो नाउन नंबर की बात करें तो एक नाउन हुआ तुम्हारा काउंटेबल और एक नाउन हुआ तुम्हारा अनकाउंटेबल, राइट। अब जो नाउन काउंटेबल होता है यह एक से, काउंटिंग हमेशा होता है कितने से, एक से। तो काउंटेबल है तो वन होगा, काउंटेबल एक से ज्यादा भी हो सकता है जी, वन का मतलब एक और उसका वन प्लस, यानी वन है यानी कि मोर देन वन है। जो चीज दुनिया में एक हो वन हो उसे कहते हैं हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, शॉर्ट में कहना आपसे ACN, ठीक है। जो नाउन एक से ज्यादा हो उसे कहते हैं प्लूरल इसे शॉर्ट में कहना PCN। तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन आजीवन होता है सिंगुलर, इसके साथ वर्ब भी लगाना तू सिंगुलर, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। जो तुम्हारा नाउन सिंगुलर होगा इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करना, आर्टिकल इज यूज, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, नो आर्टिकल। हर जगह पर मैं हाईलाइट करता हूं जहां तुम्हें गलती होता है, ताकि तुम्हें गलती दोबारा ना हो। तो हमने कहा नाउन अगर काउंटेबल है, सिंगुलर है, SCN है, तो इसके साथ आर्टिकल का यूज करना धड़ल्ले से। और हमने ये नहीं कहा कि ये लगाओ एन लगाओ दो लगाओ, जो मर्जी लगा दो, अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल ना हो, टेबल हो, पेन हो, फैन हो, बिल्डिंग हो, बॉय हो, गर्ल हो, कुछ भी हो, आर्टिकल आएगा। अगर नाउन तुम्हारा प्लूरल हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, टेबल्स हो, चेयर्स हो, पेन्स हो, कुछ भी हो, फैंस हो, तो आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे कहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वाटर हो, मिल्क हो, आइस हो, कुछ भी हो, तो उसका आर्टिकल नहीं आएगा। वो होता है सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वाटर ही होगा, वाटर आप नहीं, क्लियर हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो अनकाउंटेबल नहीं पढ़ना, ये पता हो गया कि सिंगुलर होता है अनकाउंटेबल होता है, वर्ब लगा सिंगुलर नो आर्टिकल। प्रॉब्लम यहाँ पे कि आखिर भाई सिंगुलर कौन कौन सा नाउन होता है, प्लूरल कौन कौन सा नाउन होता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे टर्न करेंगे हम, आपने बॉय से बॉयज कैसे कर दिया, इस चीज को सीखना है, क्लियर। यानी हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, इसको प्रॉपर लिख लिया आपने। यानी कि आपका जो नाउन है ना वो दो तरह का होता है, जैसा आपने मेन रूप से देखा, आपने जो मुख्य रूप से जाना वो नाउन दो तरह का, एक नाउन देखा आपने सिंगुलर और एक देखा आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी हम लोगों को पढ़ना क्या है, रूल्स, रूल्स क्या पढ़ना है, लिखो रूल्स। यानी रूल्स में क्या पढ़ना है कि हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। तो बोलो पता है ना कि एस लगाने से क्या बन जाता है, एस लगाने से क्या बन जाता है और डबल करने से क्या बनता है, बच्चे पढ़ा चुका हूं ना। अब प्रश्न उठता है कि सर एस कहां लगाएंगे, तो 90% ऑफ द नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस, ओनली 10% ऑफ द नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। 90% में क्या लगाना बच्चे, 10% में क्या लगाना, इसकी कोई नियम नहीं, राम एंड श्याम, टेबल एंड चेयर, नाउन प्लस एन प्लस नाउन, क्लियर। तो हम लोग को पढ़ना है अब रूल्स, किस चीज के लिए, सिंगुलर से प्लूरल के लिए। लिखो रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम और कानून, रूल्स फॉर चेंजिंग
सिमिलर इनटू लीगल। ठीक बच्चे, पढ़ा पढ़ाइए। हम लोग पढ़े बेटा रूल्स कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। क्लियर, रूल्स ये कहता है कि जितने भी नाउन है, मोस्ट ऑफ द नाउन, जब 90% कह दिया तो 90% नाउन में क्या लगाएंगे हम, एस, और 90% का एक अंग्रेजी होता है मोस्ट ऑफ। क्लियर, यानी प्लूरल बनेगा मोस्ट ऑफ द नाउन, मोस्ट ऑफ द नाउन फॉर्म दियर प्लूरल। फॉर्म का इसमें तो ध्यान देना, एफ ओ आर ए में, मोस्ट ऑफ द नाउन, और सब लिखता हूं, मोस्ट ऑफ द नाउन फॉर्म दियर प्लूरल बाय एडिंग इज, बाय एडिंग इज, यानी कि अधिकतर नाउन में 90% नाउन में हम एस लगा के बनाते क्या है उसको, प्लूरल। क्लियर, तो एक साइड में लिखना सिंगुलर और एक साइड लिखना प्लूरल। सिंगुलर में हमने लिखा बुक, क्या बनाया बच्चे, बुक, फटाफट लिखो, 3 4 5, पेन, बुक, पेन, काउ, टेबल, पीटीसी, सबका बना दोगे ना, पीटीसी करो। अब 90% नाउन पढ़ लिया तुमने, अब कितना पढ़ना है मात्र 10%, 90% फिनिश। अब 10% क्या पढ़िए बराबर, जहां ईएस लगाएंगे तो अगला रूल क्या बनेगा, अब जो रूल बनेगा वो मोस्ट ऑफ नहीं होगा बच्चे, अब क्या होगा सम ऑफ, मतलब कुछ नाउन ऐसे होगा तो कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो लिखिए सम ऑफ द नाउन्स। रूल नंबर 2 बनेगा हम लोगों का सम ऑफ द नाउन्स। अब थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दो, अब बताओ कि 90% और 10%, आप मान लो किसी गांव में, किसी जो है पर्टिकुलर देश में 90% किसी पर्टिकुलर कौम की जनसंख्या हो और 10% पर्टिकुलर कौम की हो और दोनों बनती ना, तो जो कौम अधिक वाला है क्या कहेगा, भाई देखो तुम्हारा पहनावा ऐसा रहेगा, तुम ऐसा दिखोगे तो हम पहचान लेंगे तुम इस कौम के हो, इस जाति के हो, राइट। और जो 90% क्या रहेगा, स्वतंत्र कुछ पहने, तो 90% वाले तहासा होंगे, 10% वाले दबे कुचले होंगे। तो यहाँ पे जो रूल कहता है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका पहनावा अलग होता है उसमें ईएस लगाते हैं, तो पहनावा क्या होता है वो लिखेंगे हम लोग, यानी सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन एस, मतलब जिसका एंड होता हो, एंड इन करो तो एंड विद करता हूं और अच्छा समझने के लिए, एंड विद एस, एस एस, एस एच, एक्स, सी एच, एक्स, एक्स हो गया ना, सी एच एंड जेड, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन एस, एस एस, एस एच, एक्स, सी एच एंड जेड, मतलब ये पहनावा हो गया। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंतिम अक्षर क्या होगा, एस, एस वर्ड होगा, तो उसका हम देखिए फॉर्म दियर प्लूरल बाय एडिंग एस, फॉर्म दियर प्लूरल बाय एडिंग क्या बच्चे, क्लियर, उसमें क्या लगाएंगे हम, एस लगाएंगे, यानी अब हम लोग पढ़े 10%, तो 10% ऐसे भी वर्ड होंगे इसमें एस सेंस हो रहा, एस एस हो रहा, एस एच हो रहा, एक्स हो रहा, इसलिए थोड़ा जेड हो रहा, तो उसमें क्या लगाएंगे हम, जैसे वर्ड देते हैं सी एच। अब सी एच को थोड़ा सा स्टडी करते हैं क्योंकि सी एच परेशान करेगा, सी एच वर्ड जो बेटा, सी एच का 3 4 साउंड होता है, बोलो सी एच का ओरिजिनल साउंड क्या होता है, च, लेकिन सी एच का साउंड च भी होता है, क भी होता है, श भी होता है, शेवरली, शार्लटन, सार्टन, अब सार्टन लिखा रहे तो आम लोग पता है चार लातन, सार्टन लिखते हैं सी एस से, सी ए टी आर टी एन, तो लोग पता है चार लातन। अब जो एक लड़का मुझसे मिला ऑफिस में, बोला सर चार लातन मतलब क्या होता है, अब चार लातन, चार लातन, अब मेरा दिमाग नहीं काम कर, कौन सा वर्ड पूछ रहा है भाई, चार लातन, चार लातन, तो मेरे बस की नहीं, मैं कब बोलो स्पेलिंग याद नहीं, चार लातन था
हम किस लिए से था, हम किस साल तक नहीं था, उसने बोला हाँ सही सही तो साल तक है ना, तो अच्छा तो सीएस का साउंड रियल में क्या होता है अच्छा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है का? तो हम बात किसी कर अंतिम में से बात कर रहे हैं, अंतिम में क्या साउंड उसका, ये अंतिम हो कहीं स्टार्ट कहीं ठीक है। तो अगर साउंड हो रहा हो तो बोलो नियम कानून को फॉलो कर रहा है सीएच, भाई सीएच ओरिजिनल है तो क्या होना चाहिए, लेकिन अगर डुप्लीकेट साउंड है तो क्या देगा क चाहे श, अगर क चाहे श साउंड दे रहा है बेटा तो डुप्लीकेटेड साउंड है, बोलो रियल क्या है, अगर चाह होगा तो ईएस लगेगा, अगर चाहे तो ईएस लगेगा और इसका साउंड होगा पता है क्या इस, जैसे देखो बी एन सी एच इसका बनाया हमने प्लूरल इस लगा दिया ना, अब बेंच लोग पढ़ेगा बेंचेस तो बेंचेस में पढ़ना क्या पढ़ना बेंचेस बेंचेस सा बेंचेस बस में, तो आपको मैं हर एक चीज सिखा रहा हूं ताकि दोबारा साउंड करना पड़े। दूसरा पढ़ यहां पे का, अगर साउंड का हो रहा है, अगर साउंड का हो रहा है तो इसके साथ ईएस न लगा के सिंपल एस लगेगा, क्या लगेगा एस, कैसे भाई देखो एम ओ एन ए आर सी एच इसको मोनार्च नहीं पढ़ते मोनार्क पढ़ते, क्या लगेगा सिंपल एस, स्टमक्स समझा बच्चे को दिक्कत है बोलो फाइन, सबके साथ तो बना देंगे इस तरह से क्लियर। अब ये था सिर्फ सी एच के लिए, बाकी सबके लिए क्या है सेम वर्ड, एक साइड में क्या लिखोगे एक साइड में क्या लिखोगे प्लूरल, तो सिंगुलर में लिखो दो चार वर्ड सुधार लिया आप सबने, बस यही सब आपको एक्स्ट्रा है जो आपको फ्रेश करेगा, जो बुक से अलग हट करके हम काम कर रहे हैं ताकि समझ में, बाकी तो पता ही है कि ये होता है। अब किताब लिखा है इसमें अपवाद है, अपवाद नहीं होता अंग्रेजी में, मैं कभी भी किसी भी रूल में अपवाद वर्ड नहीं आएगा ध्यान देना मेरे पास एक्सेप्शन कभी नहीं मिलेगा, हर चीज का नियम कानून होता है एक्सेप्शन कुछ नहीं होता ठीक है। तो एग्जाम्पल दो चार कर लो, लिखो गैस जी एस गैस गैस क्लास सी एल ए डबल एस क्लास ब्रांच बी आर ए एन सी एच ब्रांच ब्रांच का लिखो टोपास टी ओ पी एच एड टोपास टोपास के बाद लिखो टैक्स टी एक्स के बाद लिखो बस बी यू एस बी यू एस बस भी कर दो, सबका क्या बनेगा प्लूरल, सबका प्लूरल क्या होगा बच्चे एस की ई एस ई एस ना, क्योंकि इन सब का अंत थोड़ा सा क्या लगाओगे लगा दो घर पे तो दिक्कत हो किसी को। अगला रूल रूल नंबर नेक्स्ट देखिए समाप्ति नाउंस सम ऑफ द नाउंस विच एंड इन सम ऑफ द नाउंस विच एंड इन ओ विच एंड इन ओ सम ऑफ द नाउंस विच एंड इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ईएस। कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनका अंत होता है ओ से, उसमें क्या लगाएंगे बच्चे हम ईएस लगाएंगे, कोई डाउट ईएस लगाएंगे क्लियर। कुछ ऐसे नाउंस हैं जिनका अंतिम अक्षर ओ से शुरू होता है तो अंतिम से ओ होता है उसमें क्या लगाएंगे हम वो देखो ओ लेटर। अब देखो एडवांस क्लास किताब कहता है ईएस लगाते हैं लेकिन हम कहते हैं ईएस नहीं लगाते, देखो ओ काम दो तरह से होता है, हो सकता है कि ओ से पहले कोई वॉवेल लेटर हो
सोचता बेटे तो वॉवेल लेटर प्लस हो सकता है कॉन्सोनेंट लेटर प्लस हो। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, हमने लिखा दो एग्जाम्पल आर ए डी आई ओ, हमने चेक किया यहाँ पे वो वाला एम ए एन जी ओ। अब खुद बोलो जो पाया वो है कि नहीं, वीएल मतलब वॉवेल लेटर है ना जी, आई वो लेटर, वॉवेल लेटर प्लस वो है कि नहीं, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वो है कि नहीं बोलो। तो अगर तुम्हारा वॉवेल है बोलो ज्यादा कौन सा है, सीएल की वीएल ये ना, तो ज्यादा है तो इसको छूट दे दिया एस वाला कि चलो तुम सीएल ही ले लो, और सीएल से लेगा तो इसके साथ लगा देगा खुश। लेकिन कहा कि अगर तुम वीएल में आ गए तो लगा दूंगा पकड़ के एस, ठीक है। यानी अगर ओ संत होने वाला सब कॉन्सोनेंट संत हो रहा हो तो उसके साथ ये मैंगो का प्लूरल क्या बनेगा, मैंगोस, रेडियो का प्लूरल क्या बनेगा, रेडियो, ठीक है। तो दोनों का लिस्ट बनाइए अलग अलग ताकि समझ बेहतर आए, किसका लिस्ट बनेगा सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, बस यही फटाफट आगे बढ़ना है हम लोगों को। आपके पास लिस्ट किताब में लिखा होगा, बस दो दो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ ताकि आगे बढ़ते रहे, ठीक है। या पूरा पूरा लिख पाऊ तो नहीं लिखवाएगा ना, बस दो दो समझते हुए काम चले हम लोग, मेन आपको रूल समझना है। अब एक एक वर्ड लिखोगे है ना कि नहीं, लिखो एग्जाम्पल उसका पहले वीएल का, वीएल मतलब वॉवेल लेटर प्लस ओ, ना समझ में आया पूछना है किसको दिक्कत है, तो पहला वर्ड लिखो वीएल में, सिंगुलर में लिखो रेडियो, रेडियो का प्लूरल क्या बनाओगे, रेडियो। दो चार वर्ड और लिख लो, रेशियो आर ए टी आई ओ, रेशियो के बाद लिखो लिखो वीडियो वी आई डी ई ओ, वी आई डी ई ओ, के बाद लिखो बम्बू बी एम बी डबल ओ, बी ए एम बी डबल ओ, बम्बू, बम्बू का मतलब बांस होता है, बम्बू स्टिक, बम्बू मतलब बांस, एक ही कर दो बोलो, सबके साथ क्या लगाओगे एस, कोई डाउट। अगला वर्ड लिखो, लिस्ट नंबर टू सी एल वाला लिखो, लिखो बेटा पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो, पोटैटो के बाद लिखो मैंगो तो है ही अपने पास, वोल्केनो वी ओ एल सी ए एन ओ, वी ओ एल सी ए एन ओ, वोल्केनो, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, वोल्केनो का हिंदी क्या होता है, ज्वालामुखी। वाली को मॉस्किटो एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ, मॉस्किटो एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ, मॉस्किटो, इटी कर दो, सबके साथ क्या लगाओगे यस, कोई डाउट है यहां तक। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट सेम है वो का ही, वो में तीसरा कंसेप्ट कहता है बच्चे कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर कोई शब्द होगा जिसके अंत में ओ हो रहा हो तो उसके साथ भी एस का ही प्रयोग होता है, ईएस नहीं लगता। लिख लो नोट में, लिखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स के साथ एस का प्रयोग करते हैं ना कि ईएस का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स के साथ एस लगाते हैं ना कि ईएस का, ठीक है। दो बॉक्स बनाइए सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में लिखिए, सिंगुलर में लिखिए फोटो, पी एच ओ टी ओ, फोटो, फोटो, फोटो के बाद लिखिए डायनमो, फोटो, दो अक्षर या सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर लिखिए फोटो, पी एच ओ टी ओ, पी एच ओ टी ओ, फोटो, फोटो के बाद लिखिए डायनमो,
DYNAMO डायनमो, डायनमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, उसको डायनमो कहते हैं। तो डायनमो के बाद लिखो पियानो, PIANO पियानो, पियानो के बाद लिखो किलो, KILO किलो जो तौलते हैं, किलो के बाद लिखो स्टूडियो, STUDIO स्टूडियो, स्टूडियो के बाद लिखो एम्प्लॉय, EMPRYO EMPRYO एम्प्लॉय। सबके साथ क्या लगाओगे आप? एम्प्लॉय का मतलब होता है बेटा भ्रूण, भ्रूण समझते हो, भ्रूण हत्या, क्यूटोसाइट कहते हैं उसको, क्यूटोसाइट एम्प्लॉय, इसको तुम कहते हो एम्प्लॉय साइट भ्रूण हत्या। हाँ कोई एम्प्लॉय बोला हमने, आगे लिखो, पढ़ाने में साउंड भी तो देखना पड़ता है, आगे लिखो। नेक्स्ट वर्ड कहता है बच्चे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग चेंज करते हैं, तो कैसे, जैसे क्या होता है बेटा कि लास्ट लेटर जो है, लास्ट लेटर वाई हो रहा, लास्ट लेटर वाई, अब वाई से अंत हो रहा। अब करना ये है कि जो वाई वर्ड है लास्ट लेटर अंतिम अक्षर, अब शॉर्टकट हो गया, अब ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग। लास्ट क्या हो रहा है वाई, अब इतना जरूरत नहीं कि सम ऑफ द वर्ड्स व्हिच एंड इन बाय फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग, ऐसे करना। तो बाय सेंट हो रहा हो सकता है कि वाई वीएल प्लस वाई हो, और हो सकता है कि ही वाई डीएल प्लस वाई हो, वॉवेल लेटर प्लस वाई और कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई। तो कॉन्सोनेंट बोलो ज्यादा है कि नहीं, ये ज्यादा है, इस केस में इस वाई को करना पड़ेगा चेंज, क्या करना पड़ेगा इसमें आई में, और आई में चेंज कर करके आप इसको ES का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बॉक्स लेगा आई में, तो क्या लगाओगे आई प्लस, अगर VL प्लस Y है तो नो चेंज, सिंपल प्लस क्या कर देना है, एग्जांपल सर देखो एग्जांपल, M O N K Y, बोलो मंकी में वीएल प्लस वाई है कि नहीं, है ना। यहां देखो एल ए डी वाई, सीएल प्लस वाई है कि नहीं, है ना। तो सीएल प्लस वाई है, इस वाई को बनाना है प्लूरल, तो एल ए डी में कोई समस्या नहीं, वाई को चेंज कर किसमें, हो गया लेडीज, ये था सिंगुलर, ये था प्लूरल, दो बॉक्स बन जाएगा, ये मंकी था सिंगुलर, इसका बनेगा प्लूरल, सिंपल इज, ये था सिंगुलर, ये था प्लूरल। तो डाउट है बच्चे बोलो, समझ आ गया। तो मंकी में ई वाई था तो सिंपल इज लगाया, मतलब ऐसा नहीं कि वाई जहां मिला पकड़ के, है ना। तो वाई अगले बच्चे नहीं होगा, अगर VL प्लस Y कहीं हो रहा है तो नो चेंज, और CL हो रहा है तो I तब चेंज होगा, लेडी का लेडी। स्पीड में दोनों का लिस्ट लिखिए, पहले लिखो VL का लिस्ट, लिखो पहला क्या लिखा, मंकी, मंकी के बाद डंकी भी तो होता है, लिखो डंकी D O N K I Y, D O N K I Y डंकी मतलब गधा, D O N K I Y डंकी के बाद लिखो की, K I Y की, एक बार बॉय, पीओ बॉय बॉय लड़का, बॉय के बाद टॉय, टॉय सीबीसी, इसका लिस्ट लिखो लेडी, लेडी के बाद बेबी, लेडी के बाद बेबी, बेबी के बाद फ्लाई, एफ एल वाई फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है बेटा मक्खी, फ्लाई को उड़ना नहीं होगा, उड़ना होगा तो वर्ब हो जाएगा, और मक्खी हुआ तो नाउन होगा, फ्लाई का मतलब मक्खी, फ्लाई का प्लूरल क्या होगा फ्लाई, सैलरी एस ए एल ए आर वाई, एस ए एल ए
हार भाई सैलरी, सैलरी वाले को लीली, एल आई एल वाई, एल आई एल वाई लीली, एल आई एल वाई लीली, लीली द नेम ऑफ फ्लावर, फूल का नाम है लीली, ठीक है। नेक्स्ट पर लिखो कंची भी डाल दो, कंची सीओ यू एन टी आर वाई, कंची के बाद लिखो फैमिली एफ एम आई एल वाई फैमिली, एक और लिख लो स्पाई एस पी वाई, स्पाई मतलब ईटीसी कर दो, बहुत है ईटीसी। यहां तक बच्चे समझ में आया कि नहीं आया सो बोलो, कोई दिक्कत है नहीं ना, तो बस इसको यहीं तक पढ़ो, अभी कराऊंगा वोकैबुलरी।